तो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महिंद्रा के दो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का रिव्यू। ना पेट्रोल डीजल भरवाने की चिंता, ना सर्विस, ना मेंटेनेंस और ना ही किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन। बस रात को 10 से 12 घंटे में फुल चार्ज करें और पूरे दिन 80 किलोमीटर तक आप माल लोड करके इजीली इसको चला सकते हैं और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मात्र 25 से 30 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है, यानी डाउन पेमेंट के रूप में देना है 25 से 30 हजार रुपए। बाकी का पैसा आप ईएमआई में चुका सकते हैं। एक है ई अल्फा कार्गो, जिसमें पीछे ट्रॉली आती है, जिसे भीड़ भाड़ वाले बाजार में इधर से उधर माल सप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा है ई अल्फा मिनी, जिसे आप सवारियों को इधर से उधर छोड़ सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार कोई सा भी एक ले सकते हैं। पहले हम कार्गो वाला देखेंगे, ई अल्फा कार्गो, जिसके अगर हम देखें तो यहाँ पे हैंडब्रेक आता है, तो इसको आप ऊपर नीचे करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई क्लच गियर वाला लफड़ा ही नहीं है। यहाँ पे आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दो जो है मिलेंगे। फॉरवर्ड में आगे गाड़ी चलेगी, रिवर्स में पीछे बैक आ जाएगी। दूसरा, यहाँ पे लो, मीडियम और हाई वाली स्पीड, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहाँ से हॉर्न बजा सकते हैं, टर्न इंडिकेटर, और यहाँ से आप हेडलाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी लेवल कर सकते हैं। और इसमें आपको डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको गाड़ी कितनी स्पीड में दौड़ रही है, बैटरी का लेवल वगैरह सब देख सकते हैं, अभी कितना लेवल बचा है, कितनी नहीं बचा। तो ये काफ़ी शानदार है। यहाँ से आप जो है हजार्ड लैंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप वाइपर ब्लेड वगैरह चला सकते हैं इसकी स्क्रीन को साफ करने के लिए। तो काफ़ी शानदार है। यहाँ पे डैशबोर्ड में भी ठीक ठाक स्पेस दिया गया है। बड़ी सीट दी गई है ड्राइवर वाली, जिसको आप देख सकते हैं। ड्राइवर के अलावा एक पैसेंजर और बैठ सकता है। और यहाँ पे इसके चेसिस नंबर वगैरह दिए गए हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको ड्राइवर सीट के नीचे चार बड़ी बैटरीज देखने को मिलेगी, और इजीली जो है कहीं से भी इनको आप चार्ज कर सकते हैं। और एक बार चार्ज करने के बाद 80 किलोमीटर की रेंज ये देता है, और ये नॉर्मल सॉकेट में भी आप जो है इसको लगा सकते हैं। और ये इसका चार्जर जो है साथ में आता है, तो इसको कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं। 10 से 12 घंटे लेती है, पूरी रात आप चार्ज करें, और पूरे दिन अगर खाली चलता है तो 123 किलोमीटर के रेंज निकाल लेता है। लेकिन अगर माल लोड करना है, सप्लाई वगैरह करनी है, तो फिर आप 80 से 85 किलोमीटर की रेंज में ये चला लेता है पूरे दिन में। तो आपको कोई किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और ऊपर जो है केबिन में आपको रूफ वगैरह मिलेगी, जिससे बारिश वगैरह में आपकी सेफ्टी रहेगी। पीछे कार्गो बॉडी में देखने के लिए भी जो है ट्रांसपेरेंट दिया गया है, और ये आप देख सकते हैं काफी शानदार अच्छा लेगरूम वगैरह देखने को मिलेगा। इसमें ड्राइवर जो है इजीली इसमें बैठकर आराम से ड्राइव कर सकता है। आगे आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर वाला सस्पेंशन देखने को मिलेगा, वो भी 10 इंच के टायर साइज के साथ में। पीछे आपको 12 इंच के टायर साइज देखने को मिलेंगे, और ये कार्गो बॉडी देख सकते हैं 3 फीट चौड़ी और 4 फीट 2 इंच लंबी है, जिसमें आप 310 केजी तक का माल लोड कर सकते हैं, वो भी विदाउट ड्राइवर के, यानी ड्राइवर एक्स्ट्रा है। यहाँ पे टेल लैंप दिए गए हैं, बंपर देख सकते हैं शानदार से, यहाँ पे महिंद्रा की बेजिंग देख सकते हैं, और रेड कलर की रिफ्लेक्टर पट्टी वगैरह इसमें दी गई है। पीछे आपको लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन देखने को मिलेगा, यानी पत्ते कमाने वाला, जिसमें अगर आप थोड़ा बहुत माल ज्यादा भी लोड कर लेते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते में भी चलते हैं, तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा पीछे का सस्पेंशन। अगर आपको इलेक्ट्रिक सवारी गाड़ी चाहिए तो फिर आप ई अल्फा मिनी ले सकते हैं। ये भी काफी जबरदस्त आती है आगे ड्राइवर के लिए, और पीछे 4 पैसेंजर बैठने के लिए जगह आती है, जिसमें आराम से बैठ सकते हैं। काफी अच्छा स्पेस देखने को मिलता है। अगर कम साइज के हैं तो फिर 3 भी बिठा सकते हैं एक सीट पे, तो 6 पैसेंजर बिठा सकते हैं इसके। आप देख सकते हैं काफी अच्छा लुक है, बड़ी टीवी स्क्रीन दी गई है काफी शानदार, और यहाँ पे महिंद्रा का लोगो दिया गया है। इसमें भी आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर देखने को मिलेंगे आगे की ओर, और ये आप ड्राइवर सीट वगैरह देख सकते हैं काफी शानदार है। पीछे भी आप देख सकते हैं बड़ी सी सीट दी गई है, और आप देख सकते हैं आराम से बैठ सकते हैं। बीच में लेग रूम देखने को मिलेगा, आमने सामने जो है पैसेंजर बैठ सकते हैं, और ये दो बैठने के बाद भी जो है आपको अच्छा स्पेस देखने को मिलता है। अगर आपके पास कोई कैरी बैग वगैरह रहता है तो आप आराम से रख सकते हैं। ये देखिए काफी शानदार जो है हैंडल वगैरह भी दिए गए हैं, और आप सामने भी जो है पैसेंजर बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। तो मेरे को काफी अच्छा लगा, और आप अच्छा पैसा इसको लेकर कमा सकते हैं। ये देखिए ऊपर जो रूफ दिया गया है वो भी काफी मजबूत दिया गया है, एंगल्स वगैरह का इसमें इस्तेमाल किया गया है काफी मजबूत, जैसे बारिश वगैरह में जो है पैसेंजर वगैरह जो है भीगे नहीं। किसी भी छोटे बड़े शहर में रहते हैं, बेरोजगार है, काम ढूंढ रहे हैं, तो महिंद्रा ई अल्फा कार्गो ऑन रोड 1,71,000 है। इसका 85% फाइनेंस हो जाता है, लगभग 1,45,350 का ही अगर हम फाइनेंस करते हैं, तो मात्र 25,000 रुपए का आपको डाउन पेमेंट करना है। और ईएमआई की बात करें तो 4,816 रुपए की 36 ईएमआई आएंगी, 28,376 रुपए का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ई अल्फा मिनी की 1,60,000 रुपए ऑन रोड प्राइस है, कोई आरटीओ इंश्योरेंस का अलग से पैसा नहीं है।
इस पे भी 85% फाइनेंस होता है, तो मात्र 24 से 25 हजार रुपए का डाउन पेमेंट करना है। 4517 रुपए की 36 ईएमआई आएंगी यानी 3 साल के लिए, और 26612 रुपए का ब्याज देना है। तो आप ये छोटी सी 25 से 30 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट में अपना काम चालू कर सकते हैं और महीने के 15 से 20 हजार 25 हजार रुपए का आप इजिली रेवेन्यू कमा सकते हैं।